आपका दोस्त और आपका होस्ट अबू रिज़वी आपको आपके अपने चैनल अवाम के दरमियान में करता है खुशामदीद। हम इस वीडियो के टॉपिक में बात करेंगे कोरोना वायरस, जिससे पाकिस्तानी अवाम बहुत होशियार हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना वायरस के हवाले से अवेयरनेस, अपडेट्स, गाइडनेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन जो कि किसी और चैनल से आपको अभी तक नहीं मिली, हासिल कर लें, तो इस वीडियो को देखें पूरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस होता क्या है, फिर बताया जाएगा कि ये फैलता कैसे है, इसके अलामत क्या है, और एंड में बताया जाएगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। कोरोना वायरस चाइना के शहर हामून से शुरू हुआ है और इसमें एक अचानक सांस रुक जाता है, फेफड़ों पर अटैक होता है और सांस रुक जाता है और इमीडिएटली उसी वक्त डेथ भी हो जाती है। चाइना से शुरू होकर जो दूसरा बड़ा मुल्क जिस जो इसके लपेट में आया, सख्त लपेट में आया, वो है इटली। उसके बाद अमेरिका, जर्मनी और तमाम बड़े मुल्क इसके लपेट में आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी चंद मरीज़ों में इस वायरस की तशखीस हो गई है और ये बात साबित हो चुकी है कि उन्हें कोरोना वायरस है। कराची का एक याया जाफरी जो कि ईरान से सफ़र करके आया, उसमें तस्दीक हो गई है कि उसे कोरोना वायरस है। एक इस्लामाबाद का शहरी भी इसमें मुबतला हो चुका है। इसके पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकेडमीज तकरीबन 5 अप्रैल तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तमाम बड़े इज्तमात, PSL के मैचेस में ऑडियंस का, शायकीन का जाना ममनून करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ शादी ब्याह के तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी जितने भी इज्तमात है उस पर पाबंदी लगा दी गई है कोरोना वायरस के पेश नज़र और इसके फैलने के पेश नज़र। ये वायरस 400 से 500 माइक्रो कतर का होता है, जो एक कपड़े से या एक मास्क से आर पार नहीं हो सकता। अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप इस मास्क को कोई भी हो अपने फेस पर अप्लाई करें, हमेशा मास्क निकाल के बाहर निकलें। वैसे गैर ज़रूरी सफ़र से, गैर ज़रूरी तफरीहों से बाहर जाने से परहेज़ किया जाए। अगर बहुत ज़रूरी जाना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मास्क से आप इस वायरस से बचा जा सकते हैं। स्पेशली माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ठंडी अशिया, ख़ास तौर पे आइसक्रीम से दूर रखें, पापड़, नींबू, बाजारी चीज़ों से परहेज़ कराया जाए और उन्हें वक्त पर सुलाया जाए, क्योंकि जब बच्चा वक्त पे नहीं सोता तो उसकी कुव्वत मुदाफियत में कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस बासानी बच्चों पे अटैक कर लेता है। ये एक जगह पर ठहरता है, जैसे एक जरासीम एक कीड़ा होता है, उस तरह ये किसी जगह पे बैठता है, हवा में नहीं उड़ता ये, और ये कहीं बैठेगा तो इसकी लाइफ 10 घंटे तक हो सकती है। ये 10 घंटे क्या ज़िंदा रह सकता है। ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, वो ठंड को पसंद करता है, गर्मी को पसंद नहीं करता, इसलिए ठंडे इलाकों में फैला भी ये ज़्यादा है। तालीमी इदारे मुख्तलिफ इज्तमात पर बंदी लगा दी गई है, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। इसका इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या होने वाला है। एहतियाती तदबीर में ये भी शामिल है कि एहतियात की जाए, एहतियाती तदबीर, तो इसी तरह एहतियाती तदबीर को अपनाया जा सकता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, दुआ कीजिए और जो एहतियाती तदबीर आपको पता चल रही है उस पर अमल कीजिए। अपने बच्चों को वक्त पे सुलाएं, घर का खाना खिलाएं, ठंडी अशिया से खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें, गर्म पानी पिएं, मास्क का इस्तेमाल करें, बेवजह गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, बाहर की चीज़ों खाना, बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड से परहेज़ करें, हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, मुंह धोएं और ठंडा पानी ना पिएं। ये वो एहतियाती तदाबीर है जो बहुत मामूली सी लग रही है कि हम हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, गर्म पानी पिएंगे तो महफूज रहेंगे,
एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कोरोना की दुश्मन है। ज़ाहिर सी बात है जब वो चीज़ें हम करेंगे जो कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह हम कोरोना पे ना ही सिर्फ काबू पा लेंगे बल्कि बहुत जल्द हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज, हम सब मिलकर कोरोना का ख़ात्मा कर देंगे पाकिस्तान से इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए अवाम की जो एक सपोर्ट है, अवाम का जो काम है वो सबसे बड़ा, क्योंकि अगर एक इंसान ने भी गलती की और इतिहादी तदाबीर ना अपनाई तो एक इंसान की वजह से ये बीमारी, ये वायरस लाखों करोड़ों अफराद में फैल सकता है। और एक अफराद की एहतियाती तदाबीर अपनाने से ये आहिस्ता ख़त्म हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। तो मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट कोरोना वायरस की और उससे अवेयर कर दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस वायरस के बारे से दी है, ख़ास इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आपको प्रॉपर वीडियो में आपको फर्ज़ तदाबीर भी मिल गई। कोरोना वायरस कहाँ, कितना, कैसे फैला है और ये क्या होता है, कैसे फैलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड कर दी अपनी आवाम के लिए, अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए जो घबरा गई थी कल रात से काफ़ी। ये फैल जब ऐलान हुआ कि ये तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएँ, इज्तम बंद कर दिए जाएँ और जो इनकी शादियाँ हैं उनके लिए भी काम देना चाहता हूँ कि जो बहुत घबराए हुए कि हमारी शादी हाल अब क्या होगा, कार्ड बढ़ गए हैं, मेहमान दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों, दूसरे इलाकों से आ गए हैं, अब क्या करें। अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मामला सेटल होने वाला है, हल होने वाला है और ये कोरोना हमेशा के लिए हमारे मुल्क से, हमारे शहर से, हमारे मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखें, हिफाजत तदाबीर अपनाएँ, अब्दुल रज़ी को इजाज़त दें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर मेरी एक भी मालूमात, अवेयरनेस, गाइडनेस, इंफॉर्मेशन पसंद आई एक भी, तो उसके बदले अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी, और चैनल को लाइक कर लें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।